वेब म्यूजिक पर रिलीज हुआ पवन सिंह का सॉन्ग पटना के घाट। जी हाँ, इस सॉन्ग का इंतजार इसलिए भी पवन सिंह के फैंस कर रहे थे क्योंकि इसी टाइटल से खेसारी लाल यादव का आज सुबह ही सॉन्ग रिलीज हुआ पटना के घाट। अब लोगों का कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। हमने अपने वीडियो में आपको बताया था कि ये दोनों सॉन्ग बहुत ही अलग अलग हैं, सिर्फ टाइटल से एक है। खैर, आपको फिर से लेके चलते हैं पवन सिंह के सॉन्ग के ऊपर। तो आपको बता दें कि ये सॉन्ग बहुत ही ट्रेडिशनल है, बहुत ही खूबसूरत है। और हाँ, जो पिछले सॉन्ग में कुछ कमियां रह गई थी पवन सिंह के, वो इस सॉन्ग में पूरी तरह से कंप्लीट कर ली गई है। जो ये कहा जा रहा था पिछले सॉन्ग में कि स्टोरी समझ में नहीं आई, क्या पवन सिंह कहना चाहते हैं, और काफ़ी उलझा उलझा सा सभी को नज़र आया वो वीडियो, तो ये जो वीडियो है आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, बहुत ही प्यारा लगेगा। कर रही है कि वीडियो की जो कहानी है, एक औरत है अपने पति से रिक्वेस्ट कर रही है कि छठ घाट पर उसके जो दौरा है, जो उसने सजा कर रखा हुआ है छठी माई को चढ़ाने के लिए, वो लेकर चले। और पति उसे अलग अलग कामों में उलझाए रहते हैं क्योंकि अभी तो समय ही नहीं हुआ है छठ के घाट पर जाने का, जब समय होगा तो चलेंगे। लेकिन पत्नी है कि बार बार रिक्वेस्ट करती है, और जो पति है पवन सिंह, वो उसे कोई न कोई काम में उलझाए रखते हैं। लेकिन जैसे ही समय होता है, पवन सिंह पत्नी के साथ छठ घाट की ओर बढ़ चलते हैं। तो ये कहानी है, जैसे लोगों ने पिछले वीडियोस में काफ़ी कुछ कहा था पवन सिंह के वीडियोस को लेकर, इस बार सारी शिकायतें दूर हैं। गाना वाकई बहुत खूबसूरत है, बहुत ट्रेडिशनल है। पवन सिंह ने इससे पहले भी इस जो टाइटल से है गाना गा चुके हैं, लेकिन वो गाना भी बहुत डिफरेंट था, ये गाना भी बहुत डिफरेंट है। यहाँ पर अरुण बिहारी की दाद देनी पड़ेगी कि उन्होंने गाना बहुत ही अच्छा लिखा है। अगर आप खेसारी लाल यादव का गाना सुनेंगे तो हम ये नहीं कहेंगे कि वो गाना ख़राब है, ऐसा लगता है कि डीजे में बजने वाला सॉन्ग है। और यहाँ पवन सिंह की जो एक सूदिंग वॉइस है, वो बहुत खूबसूरत है। तो अगर आपने गाना नहीं देखा है तो वेब म्यूज़िक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर जाकर उसे देख सकते हैं।